गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मनी कॉम बुक का सेकंड पोयम द रेबल पढ़ते हैं। इस पोयम के पोएट का नाम है बी जे एंड राइट। अब पोयम स्टार्ट करते हैं। तो ये पोयम किसके बारे में है कि कभी कभी हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमारी बातों से सहमत नहीं होते हैं, हमेशा उनका विरोध करते हैं। हम जो भी कहें उनका विरोध उन्होंने करना ही होता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द आप सोचो। और ऐसे ही व्यक्ति के बारे में ये पोयम है। तो पहले पोयम पढ़ते हैं, देखते हैं कि इस पोयम में क्या है और वो क्या करते हैं। व्हेन एवरीबडी हैज़ शॉर्ट हेयर द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। जब प्रत्येक व्यक्ति के बाल छोटे होते हैं तो ये रेबल जो होते हैं ये अपने बालों को लंबा करते हैं। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. जब प्रत्येक व्यक्ति के बाल लंबे होते हैं तो रेबल अपने बालों को कटवा कर छोटे कर लेते हैं। When everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word. और जब कोई पाठ चल रहा हो, कोई बातचीत चल रही हो, तो प्रत्येक व्यक्ति बातें कर रहा हो, आपस में डिस्कशन कर रहे हो वो, तो वहाँ पर रेबल एक शब्द भी नहीं बोलता, वो चुप रहता है। When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. और जब कोई पाठ पढ़ाया जा रहा हो तो सब लोग ध्यान से उसे सुन रहे हों, तो उस समय rebel disturbance create करता है, वो disturb करता है सबको, बीच में बोलता है। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. जब प्रत्येक व्यक्ति यूनिफॉर्म में ड्रेस में आते हैं, एक सी ड्रेस पहन कर आते हैं, तो रेबल वहाँ पर फैंटास्टिक यानी चमकीले भड़कीले कपड़े पहन कर आता है। व्हेन एवरीबडी वेयर्स फैंटास्टिक क्लोथ्स, द रेबल ड्रेसेस सोबरली। और जब प्रत्येक व्यक्ति भड़कीले चमकीले सुंदर कपड़े पहन कर आता है तो वहाँ पर रेबल सोबर कपड़े पहन के आता है, बिल्कुल सिंपल से कपड़े पहन कर आता है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। तो एक्सप्रेस माने होता है व्यक्त करना और प्रेफरेंस माने होता है प्राथमिकता। तो जहाँ पर कुत्तों को प्यार करने वाले, कुत्तों को पसंद करने वाले लोग बैठे हों, उनका ग्रुप बैठा हो, तो वहाँ पर फिर रेबल बिल्लियों की प्राथमिकता की बात करता है, वहाँ बिल्लियों के बारे में वो बात करता है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स। और जब बिल्लियों को पसंद करने वाले लोगों का ग्रुप बैठा हो तो वहाँ पर वो रेबल जाकर कुत्तों के बारे में बात करता है। When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. Praise माने होता है तारीफ़ करना, कि जब सब लोग सूरज की तारीफ़ करते हैं, उसकी ज़रूरत को महसूस करते हैं, तो उस समय rebel बारिश की बात करता है, वो कहता है बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. और जब प्रत्येक व्यक्ति बारिश की कामना करता है तो फिर rebel सूरज की अनुपस्थिति का रोना रोता है। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. जब प्रत्येक व्यक्ति मीटिंग में जाते हैं तो रेबल घर पे रुककर किताबें पढ़ता है। When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. और जब प्रत्येक व्यक्ति घर पे रुकते हैं और किताबें पढ़ते हैं तो रेबल फिर मीटिंग के लिए जाता है। When everybody says yes please, the rebel says no thank you. और जहाँ पे yes please कहने की ज़रूरत होती है कि हाँ हम सहमत है या हमें लेना है कोई चीज़, तो वहाँ पर जब सब लोग यस प्लीज कहते हैं तो रेबल वहाँ पर नो थैंक यू कहता है। व्हेन एवरीबॉडी सेज नो थैंक यू, द रेबल सेज यस प्लीज। और जहाँ पर सब लोग नो थैंक यू कहते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए, तो वहाँ पर रेबल यस प्लीज कि हाँ मुझे चाहिए, तब वहाँ यस करता है। इट्स वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। और ये हमारे लिए अच्छा भी है कि हमारे आसपास ऐसे रेबल्स, रेबल्स का मतलब बागी लोग, जो हमेशा विरोध करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति का, जो हमेशा परेशान रहते हैं, उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आती, ऐसे लोगों को रेबल्स कहते हैं। तो ऐसे रेबल्स का होना अच्छा भी है, हमें अच्छे और बुरे, किसी वस्तु के अच्छे और बुरे का पता चलता है। अगर विरोधी ना हो तो हमें उस वस्तु के गुण अवगुण का पता ही ना चले। तो ओके, थैंक यू बच्चों, हैव ए गुड डे।